अगर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप एक न्यू यूज़र हैं, पहले कभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है और ना ही कभी आपने ट्रेडिंग करी है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ग्रो डीमैट अकाउंट। क्योंकि दोस्तों इस डीमैट अकाउंट से अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी डिलीवरी में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो आपसे यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता। बाकी अदर डीमैट अकाउंट में यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है डिलीवरी में, शेयर्स बाय करने में और सेल करने में। और यहाँ पर आपको इस ऐप में AMC चार्जेस देखने को मिलता है बिल्कुल जीरो। और इस ऐप को काफ़ी यूज़र यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अगर आप एक न्यू यूज़र हैं। और इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है, क्योंकि ये जानकारी हमारे पास पहले होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय करे हैं और एक शेयर की प्राइस है यहाँ पर 100 रुपये की, और आपने 10 क्वांटिटी में शेयर बाय करे हैं और आने वाले टाइम में उस शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है यानी बढ़ जाती है और उसकी प्राइस हो जाती है यहाँ पर 130 रुपये की, तो आपने बाय कर रहे थे 10 क्वांटिटी में, तो आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो होगा आपको 300 रुपये का। तो इस तरह से तो आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है। तो अब बात कर लेते हैं अगर हमें यहाँ पर लॉस होता है तो वो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर बाय करे हैं और एक शेयर की प्राइस है 50 रुपये की और आपने वो शेयर 10 क्वांटिटी में बाय करे हैं, और आने वाले टाइम में अगर उस शेयर की प्राइस घटकर आ जाती है 40 रुपये की, तो आपने बाय कर रहे थे 10 क्वांटिटी में, तो आपको जो यहाँ पर लॉस होगा वो होगा आपको यहाँ पर 100 रुपये का। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है और इसी तरह से आपको यहाँ पर लॉस होता है। अगर आप चाहते हैं ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करना तो आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो अब बात कर लेते हैं हम ग्रो ऐप में कैसे स्टॉक बाय करेंगे और कैसे सेल करेंगे। स्टॉक बाय और सेल करने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक कर बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आपका डीमैट अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की और सेंसेस की। सेंसेस में इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती है और निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आज शेयर मार्केट कितनी अप है और कितनी डाउन है, वो आप इन्हें देखकर यहाँ पर पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे, नीचे लिखा हुआ है टॉप गेनर। टॉप गेनर में आपके सामने वो कंपनी आती है जो अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये UPL कंपनी है और इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 747 रुपये 55 पैसे, और इस कंपनी पे आज 15 रुपये 35 पैसे बढ़े हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन कर यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप लूज़र, यहाँ पर आपके सामने वो कंपनी आती है जो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर है 2621 रुपये 40 पैसे का, और इस कंपनी पे आज 63 रुपये 65 पैसे डाउन गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सी मोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने टॉप लूज़र कंपनी की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टॉप गेनर की भी आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ से बेक कर लेते हैं। यहाँ से बेक करने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक न्यूज़, तो यहाँ पर आपके सामने स्टॉक की न्यूज़ आ जाएगी जो लेटेस्ट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ऊपर आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ जाएगा। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं डिटेल से जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, तो अभी हम ये पार्ट यहाँ पर स्किप कर देते हैं। तो हम क्लिक करते हैं स्टॉक पे। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद अब बात करते हैं अगर हमें किसी कंपनी के शेयर बाय करने हैं तो बाय कैसे करेंगे और किसी भी कंपनी को सर्च कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है सर्च ग्रो, यहाँ पर क्लिक कर आप उस कंपनी को सर्च कर सकते हैं जिस कंपनी के आप यहाँ पर शेयर्स बाय करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर सर्च करना है अडानी ग्रीन, तो अडानी ग्रीन हम यहाँ पर सर्च करेंगे।
ये सर्च करने के बाद कंपनी हमारे सामने शो हो गई है और इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 1983.55 रुपये और आज के दिन इस कंपनी पे 113 रुपये डाउन गए हैं। तो हमें ये कंपनी पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करनी है, उसके लिए हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे और ये कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में जाकर ऐड हो गई है। यहाँ से अब हम बैक आ जाएंगे। यहाँ से बैक आने के बाद अगर आप ऊपर आएंगे और स्लाइड करेंगे इस तरह से, यहाँ पर लिखा हुआ है परवेज और आगे लिखा हुआ है वॉच लिस्ट। ये हमने अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी एक वॉच लिस्ट बनाना तो आप आगे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस वॉच लिस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जिस नेम से आप अपनी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बनाना चाहते हैं अपने नेम से, तो अपना नेम एंटर कर दिया है, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और हमारे नाम से हमारी वॉच लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब अगर हमें अपनी वॉच लिस्ट में किसी भी कंपनी को ऐड करना है तो उसके लिए पहले हमें सर्च करना है। हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं अडानी एंटरप्राइज को, तो हम अडानी एंटरप्राइज यहाँ पर सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद ये कंपनी हमारे सामने आ गई है और इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 3,448 रुपये और इस कंपनी पे आज के दिन जो डाउन गए हैं वो गए हैं 149 रुपये, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमें ये कंपनी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करनी है, तो उसके लिए हम इस तरह से एक बार इस पर क्लिक करेंगे और ये कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में जाकर ऐड हो गई है। यहाँ से अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में आकर ऐड हो गई है। वॉच लिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी फेवरेट कंपनी को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है अडानी एंटरप्राइज को, हमें अभी इसके शेयर यहाँ पर बाय करने हैं, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप शेयर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई भी कंपनी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जिस कंपनी के आप शेयर्स बाय करना चाहते हैं उसके बारे में पहले आपको पूरी रिसर्च कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका चार्ट शो हो जाएगा। पहले मैं आपको इसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे देता हूँ, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अडानी एंटरप्राइज और नीचे आ जाएगा इस शेयर का प्राइस। इस शेयर का प्राइस है अभी के टाइम में 3,449 रुपये और इस शेयर पे आज के दिन जो डाउन गए हैं वो गए हैं 147 रुपये 10 पैसे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस कंपनी पे अगर आज के दिन जो भी पैसे गेन होते हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाते हैं। और यहाँ है चार्ट, आप अगर चार्ट देखना चाहते हैं तो आप 1 डे का चार्ट दे सकते हैं, 1 वीक का चेक कर सकते हैं, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का, ऑल टाइम का चार्ट भी आप यहां पर दे सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में चार्ट देखना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे इस तरह से। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से चार्ट शो हो जाएगा। आप यहां पर 1 डे का चार्ट चेक कर सकते हैं, 1 वीक का चार्ट चेक कर सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, या फिर आप ऑल टाइम का चार्ट भी यहां पर चेक कर सकते हैं। तो हम 1 डे को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर आपके सामने ऑप्शन आता है मिनट का, यहां पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको मिनिमम 5 मिनट सेलेक्ट करना होता है, 5 मिनट आप सेलेक्ट कर लें। अगर 5 मिनट आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो एक कैंडल रहेगी यहाँ पर, ये कैंडल आपकी एक रहेगी 5 मिनट की। और आप चाहते हैं इस चार्ट का जो कैंडल स्टाइल है ये यहाँ से चेंज करना, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप चार्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन को, अगर हम लाइन सेलेक्ट करते हैं तो ये चार्ट हमारे सामने लाइन में शो हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इस चार्ट को कैंडल में चेक करना तो हम कैंडल सेलेक्ट कर लेंगे, कैंडल में आपके सामने ये चार्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ से बैक आने के बाद अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके सामने इसका सारा ओवरव्यू आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आज के दिन जो इसका लो गया है वो गया है 3,426 रुपये और 70 पैसे, आज इतना डाउन ये गया है, और जो आज हाई था वो था 3,537 रुपये, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है 52 वीक लो, यानी 52 हफ्ते में जो लो गया है वो था ये 1,528 रुपये का 80 पैसे, और जो 52 हफ्ते में ये हाई गया है वो गया है 4,190 रुपये। और नीचे आप देख सकते हैं इसका ओपन प्राइस और वॉल्यूम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर है मार्केट डिप, यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा कितने यूज़र इस कंपनी के शेयर को बाय कर रहे हैं और कितने यूज़र इस कंपनी के शेयर को सेल कर रहे हैं। अगर सेल करने वाले ज़्यादा होते हैं तो इस कंपनी के शेयर का प्राइस यहाँ पर डाउन जाएगा, अगर बाय करने वाले ज़्यादा होते हैं तो इस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा।
और नीचे आपके सामने आ जाते हैं फंडामेंटल्स, ये भी आप देख सकते हैं। और नीचे आपके सामने रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, नेटवर्क चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप ईयरली भी चेक कर सकते हैं और कंपनी के बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। आगे आपके सामने ऑप्शन आता है न्यूज़ का, अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने अडानी एंटरप्राइज के रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। इवेंट पे क्लिक कर आप इवेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने और भी इसके काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, आप सारी जानकारी यहाँ पर ही ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर हमें इस कंपनी के शेयर को बाय करने हैं तो बाय कैसे करेंगे। बाय करने के लिए पहले आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना है, इस तरह से नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाय का, बाय पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं ऊपर, एक आता है डिलीवरी का, एक आता है इंट्राडे का। अगर आप इस कंपनी के शेयर को बाय करते हैं डिलीवरी में तो आप फिर इस कंपनी के शेयर को कभी भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि एक साल बाद, दो साल बाद, पाँच साल बाद, दस साल बाद, बीस साल बाद, जब आपको सही लगे जब आप सेल कर सकते हैं। और अगर आप बाय करते हैं इंट्राडे पे तो आपको ये कंपनी के शेयर सेम डे ही सेल करने होते हैं, यानी आज के दिन ही सेल करने हैं। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर इस कंपनी के शेयर को ऑटोमेटिक सेल कर देगा, फिर आपसे वो चार्जेस भी लेता है। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा कि आप डिलीवरी को शुरू में ट्राई करें, क्योंकि डिलीवरी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी के शेयर आप बाय करते हैं उसे आप कभी भी बेच सकते हैं, जैसे कि जब आपको प्रॉफिट हो, जब आप सेल कर सकते हैं। नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है क्वांटिटी का, यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी एंटर करनी है, जितनी क्वांटिटी में आप इस कंपनी के शेयर को बाय करने वाले हैं, जैसे कि 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी या फिर 1 क्वांटिटी, जितने में आप बाय करना चाहते हैं वो आप इस तरह से एंटर कर देंगे। आगे लिखा हुआ है NSE और BSE, आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम NSE को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे है प्राइस मार्केट, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है लिमिट का, एक आता है मार्केट का। अगर आप मार्केट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने जो मार्केट में अभी के टाइम में रेट है शेयर के, उसी रेट में आपको यहाँ पर ये शेयर मिलने वाले हैं। और अगर आप लिमिट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी लिमिट यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में मार्केट में ये शेयर है 3451 रुपये का, और आपको लगता है कि ये शेयर यहाँ पर 3440 रुपये का आ जाएगा, तो 3440 आप यहाँ पर एंटर कर बाय पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ये 3440 रुपये हिट होता है तो आपका ये शेयर यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अगर आपको ये शेयर इसी प्राइस में बाय करना है तो आपको मार्केट सेलेक्ट करना है और नीचे बाय पे क्लिक कर देना है, और शेयर आपको यहाँ पर बाय कर लेने हैं। मगर शेयर बाय करने से पहले आपको यहाँ पर पैसे ऐड करने होते हैं, उसके लिए आपको यहाँ से बेक आना है। यहाँ से बेक आने के बाद ऊपर आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल वाले आइकन पे, नीचे आपको क्लिक करना है ऐड मनी पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का वेट करना है, यहाँ पर आपको अपना वो अमाउंट एंटर करना है जो पैसे आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 5000 रुपये ऐड करने वाले हैं, तो 5000 हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। नीचे लिखा हुआ है फ़ोनपे, फ़ोनपे को हमने सिलेक्ट कर लिया है, और नीचे आपको क्लिक करना है ऐड मनी पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का आपको वेट करना है, और यहाँ पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके फ़ोनपे पे। यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ये यहाँ से पैसे इस तरह से पे कर देने हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लाइव मैंने आपके सामने यहाँ पर 5000 रुपये सक्सेसफुल ऐड कर लिए हैं। अब हमें डन पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमें बेक नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही हम यहाँ से बेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा 5000 का अमाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 5200 रुपये अभी के टाइम में हमारे पास हो गए हैं। अब अगर हमें जिस कंपनी के शेयर बाय करने हैं उस कंपनी को या तो हम सर्च करेंगे, या अगर वो कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में है तो हम उस पर एक बार क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करनी है जितनी क्वांटिटी में हम शेयर बाय करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी में इस शेयर को बाय करने वाले हैं, तो हम एक सेलेक्ट कर लिया है। ऊपर हमें डिलीवरी को सेट करना है, नीचे हमने NSE का कर रखा है, और नीचे मार्केट को सिलेक्ट कर रखा है। नीचे लिखा हुआ है बाय, सिंपली बाय पे क्लिक करना है, और ये ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल हो चुका है और एक शेयर हमने यहाँ पर बाय कर लिया है। अब हमें डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद अब हमें अगर चेक करना है कि हमने जो शेयर बाय करा है उस पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, उसके लिए हम क्लिक करेंगे होल्डिंग पे, क्योंकि आपने अगर शेयर बाय करा है डिलीवरी में तो वो आपको होल्डिंग में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो शेयर बाय करा था ये करा था अडानी एंटरप्राइज का, और इस पर अभी के टाइम में हमें चेक करना है कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, उसके लिए हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे इस तरह से। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है होल्डिंग डिटेल्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है टोटल रिटर्न,
अभी के टाइम में हमें इस शेयर में नुकसान हो रहा है 1.40 रुपए का, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3450.25 रुपए, और जो इसकी करंट वैल्यू है वो है यहाँ पर 3448.05 रुपए। और आप यहाँ पर देखते हैं ये इसका मार्केट प्राइस है और ये इसका एवरेज प्राइस है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा लॉस होता है या फिर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो भी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें इस कंपनी के शेयर को अब सेल करना है तो सेल कैसे करेंगे। सेल करने के लिए आपको इस पे एक बार इस तरह से क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा सेल का, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर अवेलेबल। अभी के टाइम में हमारे पास एक शेयर अवेलेबल है अडानी एंटरप्राइज का, तो हम इसे सेल करना चाहते हैं तो हम एक शेयर यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। ऊपर हमें सेलेक्ट करना है डिलीवरी को, क्योंकि हमने डिलीवरी में ही शेयर बाय करा था। नीचे हम NSE, BSE किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है प्राइस मार्केट, तो हम मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है सेल, सेल पे हमें क्लिक करना है और सेल सक्सेसफुल हो चुका है। और ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक कर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो शेयर है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सेल हो गया है। अब जो हमारा अमाउंट है वो हमारे पास वापस आ जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैलेंस अवेलेबल में हमारे पास अमाउंट है 5183 रुपये। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस कंपनी के आप शेयर बाय करेंगे अगर आप शेयर वहां पर सेल करते हैं तो आपको 80% अमाउंट तो तुरंत मिल जाता है, बाकी जो 20% अमाउंट होता है वो आपको मिलता है नेक्स्ट डे। और अगर आप उस अमाउंट को यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको वेट करना होता है 48 आवर का, यानी 48 घंटे का आपको इंतज़ार करना होता है, उसके बाद आपका वो अमाउंट यहाँ विड्रो में आकर काउंट हो जाएगा। उसके बाद ही आप उस अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक बार विड्रो पे क्लिक करना होता है, यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर करना है और विड्रो पे क्लिक करना है और आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों आप अभी के टाइम में ग्रो ऐप को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप इस ऐप से पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है पैसे कमाने का, वो है रेफर एंड अर्न का। यहाँ पर आप रेफर कर भी पैसे कमा सकते हैं और एक रेफर कर 300 रुपये आप यहाँ पर कमा सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आप ग्रो ऐप उसे रेफर कर सकते हैं, ग्रो में उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है, तो आपको एक रेफर के 300 मिल जाएंगे और उसका अकाउंट ओपन होते ही आपको 100 रुपये मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप रेफर कर भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रेफर कर ज़्यादा पैसे कमाना, तो मैंने एक कंप्लीट डिटेल से वीडियो बना कर रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ग्रो ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप ग्रो ऐप में ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसी तरह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है और इसी तरह से आपको लॉस होता है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।